हमारी कंपनी सर एक आईटी कंपनी है जो ट्रेडिंग के लिए एल्गो प्रोवाइड करती है। तो यदि आप एल्गो मतलब जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है ट्रेडिंग करने के लिए, वही ना जी? अच्छा हाँ बोलिए। तो आप जानते हैं क्या एल्गो के बारे में, भी कोई जानकारी है आपको? मुझे बस इतना पता है कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होता है जो सारा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, बस इतना ही मुझे पता है। तो अभी मतलब मैन्युअली करते हैं फिर या फिर एल्गो सर्च कर रहे हैं आप? तो मैं ऑलरेडी 3 बार ट्रेडिंग करके छोड़ चुका हूँ जिसमें मुझे लॉस प्रॉफिट हुआ, इसीलिए मैं करके छोड़ चुका हूँ पास्ट में। ये चीजें मैं पिछले 10 साल के अंदर करके छोड़ चुका हूँ। अभी मैं मन बना रहा हूँ बट उसमें मतलब अभी मैं एक्चुअली पहले तो ट्रेनिंग लूंगा ना, अभी तो ट्रेनिंग ली नहीं है मैंने, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का तो पता है मेरे को, ट्रेड वेड तो करना आता है बट अभी प्रॉपर तरीके से सीखना है मेरे को इसके लिए, तो कोर्सेज वगैरह मैं ले रहा हूँ, तो अभी ट्रेडिंग कर नहीं रहा हूँ करंटली मतलब। बट अभी जो आप क्या नाम है एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं, मतलब वो बताइए वो क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है मैं बताती हूँ सर। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में। अब देखिए सर, जैसे आपने बताया कि आप 3 टाइम जो ट्रेड है मार्केट में करके छोड़ चुके हैं, लॉस भी है प्रॉफिट भी है दोनों चीजें हैं मार्केट में। यदि हमें प्रॉफिट रहेगा तो नुकसान भी रहेगा सर। बट नुकसान जो है, जो सॉफ्टवेयर का बेनिफिट क्या है कि इसमें जो है रिस्क फिक्स रहेगा आपका, कम से कम रहेगा अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें कमांड सेटअप रहता है, जैसे हम मैनुअली करते हैं ट्रेड, स्टॉक सिलेक्ट करते हैं या निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो वो सारा इसमें जो है ऑटोमेटिक तरीके से सिस्टमेटिक जमा होता है। आपको बस लॉग इन करना है, आपने लॉग इन किया सॉफ्टवेयर को अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले, बस लॉग इन भर आपने कर दिया। अब जो है इसमें कमांड होता है, आपने सेटअप कर दिया, आप पूरा जो ऑटोमेटिक ट्रेड आपका मार्केट में होगा। पहली चीज सर, जो स्टॉक आपको मिलते हैं वो सिलेक्टेड मिलते हैं। अब ये तो या तो फिर वीकली बेसिस पे चेंज होंगे या फिर मंथली बेसिस पे चेंज होते रहेंगे, क्योंकि सेम स्टॉक में मार्केट में मूवमेंट नहीं रहता। तो अब दूसरी चीज सर मैं आपको बताती हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है जो स्टॉप लॉस इसमें फिक्स होता है मैनुअली, जैसे हम करते हैं तो कई बार इमोशन के चक्कर में लॉस होता है या कई बार किसी की टिप्स लेने के चक्कर में हमें नुकसान होता है। जैसे ब्रोकर हमें लेबल प्रोवाइड करते हैं तो 100% चांसेस नहीं होते कि वो चलते हैं, बट ऐसा होता है कि 10 में से 6 तो वो पक्का है कि मार्केट में चल जाते हैं। तो उन्हीं को टाइम टू टाइम लगाना और टाइम टू टाइम एक्सिट करना, ये काम जो है वो सॉफ्टवेयर करता है। अब दूसरी चीज इसमें जो है इन्वेस्टमेंट सेफ तरीके से यूज किस तरीके से होता है कि जब मार्केट में वॉल्यूम है स्टॉक इसमें सिलेक्टेड रहेंगे अपने, मान लीजिए 5 स्टॉक अपने को मिले, अब उनमें किस स्टॉक में कम मूवमेंट बन रहा है ये सॉफ्टवेयर जैसे ही सिग्नल मिलता है ट्रेड लगा देता है मार्केट में। अब हो सकता है अपना सॉफ्टवेयर में मॉर्निंग में ये एक्टिवेट हो जाए सिग्नल, और हो सकता है भाई 10 बजे तक कोई ट्रेड ही ना लगे मार्केट में अपना। तो ये क्या है सर, जो मार्केट में वॉल्यूम है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लगाएगा। जैसे अच्छा वॉल्यूम है तो हो सकता है कितनी भी नंबर ऑफ टाइम ये ट्रेड कर दे, बट यदि कोई वॉल्यूम नहीं है तो सिर्फ 1 से 2 बार मैक्सिमम ट्रेड करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, बिकॉज वो आपका ब्रोकरेज भी बचाएगा। और दूसरी चीज सर, जो छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं मार्केट में वो ये सॉफ्टवेयर बुक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि इससे आपका ब्रोकरेज भी बढ़ेगा और कोई प्रॉफिट भी नहीं है, इतना तो हम ब्रोकरेज ही लगा देंगे फिर जितना छोटे छोटे मूवमेंट बुक करने में लगाएगा। तो ये लॉन्ग एंट्री लेगा और लॉन्ग एक्सिट करेगा, सेल एंट्री भी लेगा और बाय एंट्री भी लेगा, तो दोनों पुट और बाय दोनों सेल करेगा ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो उसमें स्ट्रेटेजी होती है सर सॉफ्टवेयर में, स्ट्रेटेजी आप समझते होंगे, समझते हैं स्ट्रेटेजी, तो वही जो स्ट्रेटेजी होती है उनका ही बस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर में सर, कि वही जो है मार्केट को कैलकुलेट करके सिग्नल लगाती है। अच्छा, तो स्ट्रेटेजी हमारे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। अब जैसे हमारे सर्विस होते हैं सर, हमारे पास जैसे 4 पार्ट में सॉफ्टवेयर डिवाइस है, जैसे कि 1 पार्ट जो है वो 1 मंथ का प्लान है, इसमें सिर्फ आप कैश मार्केट में चेक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का वर्किंग पैटर्न किस तरीके से है, क्या रिस्क है और क्या रिवार्ड है। ये अपने को 12,500 का मंथली प्राइस रहता है इसका, प्लस 18% इसका GST रहेगा, ताकि आपको इनवॉइस बिल मिले, आपके पास प्रूफ रहे कि इस कंपनी में हमने इतना पैसा दिया है और ये जो एल्गो है हम यूज कर रहे हैं करंट में, तो वो आपके पास पेमेंट प्रूफ रहेगा सर। तो टोटली इतना हो गया 18% GST के साथ में, मतलब 12,500 रूपए मंथली इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज हो गया ना सॉफ्टवेयर का। हाँ सर, तो 18% GST के साथ टोटल कैलकुलेट करके बताना कितना हो गया। चलो कोई नहीं, टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, मतलब लगभग वही हो गया 14,500 या 15,000 के समथिंग हो गया, मतलब 18% वैसे ही कैलकुलेट कर लूँगा। हाँ अपना हो गया 14,750 रूपए सर। हाँ वही मैंने
कर लिया था कैलकुलेट, मतलब वही 15,000 के आसपास ऐसे हो गया ना, समथिंग 15,000 भी मान के चल रहा है, 15,000 हर महीने इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज जाएगा सॉफ्टवेयर का ना। हाँ आप सर इसका प्रॉफिट और नुकसान दोनों चीज बताऊंगे अब तो, क्योंकि ऐसा नहीं है सॉफ्टवेयर तो रिस्क नहीं रहेगा। अच्छा ये बताओ ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग तो अपने मन से कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं कहीं भी, मतलब है ना, तो ये जो सॉफ्टवेयर है मतलब इसका भी यही काम है, अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद रहा है कुछ भी बेच रहा है, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग ये क्या ये सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है क्या कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, कब खरीदना है कब बेचना है, ऐसा कुछ है ना? हाँ सर ये भी एनालाइज करेगा बस। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमें ये सॉफ्टवेयर में हमें हमारा क्या काम है, मतलब हमारा जो काम है इस सॉफ्टवेयर में हमारा कितना काम है मुझे वो बताओ, और इस सॉफ्टवेयर का कितना काम है वो भी बताओ। ठीक है आप देखिए, आपका जो मैनुअली वर्किंग है सर, आपको लॉग इन करना रहेगा डेली, दूसरा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रखते हैं आप, मान लीजिए 10,000 रखते हैं, 1,00,000 रखते हैं, जो भी रखते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो है उस हिसाब से आपको सिर्फ क्वांटिटी अपडेट करनी रहेगी। स्टार्टिंग में भाई मैंने एक एक लॉट में काम देखा या पांच पांच किसकी क्वांटिटी शेयर की? हाँ जैसे स्टॉक में स्टॉक मार्केट में करेंगे तो कैश में अपन पांच पांच क्वांटिटी पे। अच्छा यानी मुझे एक तो लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद मुझे इसमें मुझे कितना इन्वेस्ट करना है वो भी मुझे ही करना है, और मुझे शेयर्स की क्वांटिटी कितनी रखनी है, मतलब कितना कितना कितने शेयर्स खरीदने हैं वो भी मैं करूंगा, है ना, बाकी सारी चीजें सॉफ्टवेयर करेगा। नहीं नहीं आप चाहे तो जैसे आप स्टार्टिंग में करना चाहते हैं कि पहले मैडम मैं रिजल्ट देखूंगा कम रिस्क के साथ, तो आप सिर्फ 10,000 में लगाइए मार्केट में स्टार्टिंग में, तो बाकी क्वांटिटी हम अपडेट करके सेटअप करके लेते हैं, सिर्फ आपका काम रहेगा लॉग इन करने का। अब आपको जब भी लग रहा है कि नहीं भाई हाँ अच्छा रिजल्ट है, अब मैं क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ, तो एक बार हमें कंफर्म करिए सर, एक बार पूछ लीजिए, बिकॉज क्या होता है कई बार होता है ना मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं और उसी टाइम आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, तो एक बार आप हमें बता सकते हैं कि अब हमें क्वांटिटी बढ़ाकर काम करना है, तो यहाँ से आपको सजेस्ट किया जाता है ठीक है आप बढ़ा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आप रखते हैं उस हिसाब से आप बढ़ा दीजिए और अपडेट कर दिया, ये काम आपका रहेगा। एक बार सेटअप करना रहेगा, ऐसा नहीं है रोज रोज क्वांटिटी आपको डालनी है, एक बार डाल दिया आपने कि हाँ भाई 100 क्वांटिटी में काम चल रहा है ठीक है, तो बस वही सेटअप रहने दीजिए। क्योंकि देखिए सर होता क्या है कई बार हमें भी नहीं है पता ये चीज, हमें भी नहीं है पता, हम 8 साल से मार्केट में है ठीक है, अब आपको भी नहीं है पता, फ्यूचर किसी को नहीं पता, तो होता क्या है कई बार अपन 100 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, अब अपने को लगा कि भाई 3-4 दिन अच्छा रिटर्न निकल रहा है, अब अपने जो उसमें बढ़ा दी क्वांटिटी 300 या 500 कर दी, तो हो सकता है उस दिन आपको एक स्टॉप लॉस हो जाए, तो भाई जितना प्रॉफिट था वो तो वन डे में ही अपना चला गया, मान के चलिए चला गया जितना अर्निंग किया था, तो अब तो अपन ओवरऑल रेशो जो देख रहे हैं कि भाई अभी तक हमें सॉफ्टवेयर से कुछ भी नहीं मिला, तो वो चीज मत करिएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप क्वांटिटी बढ़ाएं ना तो एक बार कंफर्म जरूर करिएगा, बताइएगा कि मैम मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ इस टाइम बढ़ा सकता हूँ क्या, तो वो यहाँ से आपको गाइड कर दिया जाएगा, बिकॉज स्टॉक सिलेक्शन डिपार्टमेंट होता है तो वो कन्फर्म करके बताता है कि हाँ अभी स्टॉक है या मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट है तो बढ़वा सकते हो आप क्वांटिटी, तो बस एक बार गाइड आप बता दूंगी जब भी आपको रहे तो यहाँ से गाइड कर दिया जाएगा आपको। तो मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर को मतलब ये चीज नहीं पता कि भाई मार्केट में कौन सा शेयर खरीदने लायक है अभी, ये चीज तो नहीं पता सॉफ्टवेयर को? नहीं ये तो पता रहेगा, बिकॉज सर जो स्टॉक सिलेक्ट डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी सिलेक्ट करके ही स्टॉक डालेगा, और ये मान लीजिए जब चेंज होते हैं मैंने कहा वीकली बेसिस या मंथली बेसिस तो ये ऑटोमेटिक चेंज होंगे सर, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं करना है, मेरा मतलब है कि जब सारा काम 99% काम ये सॉफ्टवेयर ही कर रहा है तो सारे लोग फिर एल्गो ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? ज्यादातर तो मैनुअली करते हैं ना, एल्गो ट्रेडिंग तो नहीं करते सारे लोग, फिर क्यों नहीं कर रहे फिर सारे लोग? बिल्कुल सही बात है सर, देखिए जो चीज आपने बताई है वैसे मुझे एल्गो ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत पता है, मैंने पढ़ा भी इसके बारे में, लोग करते भी हैं, इसके कोर्सेज भी हैं सब कुछ है ठीक है, बट एल्गो ट्रेडिंग में मैं एक्चुअली प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ ना इसको, अभी आप समझा रहे हो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट अभी भी मैं प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसे लेता हूँ सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो जाहिर सी बात है इसमें भाई 15,000 रुपए तो महीने का इसी में जा रहा है, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो तो 15,000 तो मेरा वैसे ही चला गया ना, फिर भी मैंने लॉस में तो मैं फिर भी हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो तो या तो इतना तो प्रॉफिट हो कि सुनो अब या तो इतना तो प्रॉफिट हो कि चलो 15,000 रुपए मैंने यहाँ लगा दिए और उसमें ब्रोकरेज वगैरह सब लगा करके 20,000 मान के चलो तो कम से कम 20-25,000 रुपए मुझे रिटर्न में आए ताकि मेरे को लॉस भी ना हो, 2-3 महीने चलो चेक कर लिया फिर बाद में प्रॉफिट होने लग गया, ऐसा होना चाहिए मतलब, है ना। अब देखिए सर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपने रिटर्न का कहा है ना ये बिल्कुल सही बात है, सही टॉपिक किया है,
क्योंकि देखिए सर जो मंथली अपना प्लान रहेगा ना उसमें सिर्फ अपने को दो स्ट्रेटजी मिलेंगी। उसमें मान के चलिए कि अपन ने सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज हटाकर हमारा सर्विस प्राइस हटा के मतलब ज्यादा कुछ अर्निंग नहीं किया है। यदि अपन एक एग्जांपल मान के चलें कि यदि 10,000 डीमेट में रखा था तो सिर्फ अपना 2,000 से 3,000 रुपए गेन हुआ है पूरा ओवरऑल मंथ अपना चार्जेस हटा के सर्विस और अपना वो मंथ। क्योंकि क्लियरली बात करूंगी सर तो बेटर भी रहेगा, वो आप लॉन्ग टाइम जोड़ेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चीज समझ में आएगी तब रहेगा। तो मान के चलिए कि अपन 10,000 भी रखते हैं तो कम से कम सिर्फ 2 से 3,000 गेन हुआ, बाकी उससे ज्यादा कुछ अर्निंग नहीं हुआ सॉफ्टवेयर के। उसमें अपना ब्रोकरेज चार्ज भी हटा दिया, सर्विस चार्ज भी माइनस कर दिया, ठीक है, तो सिर्फ इतना गेन कर पाएंगे, बाकी ज्यादा नहीं। और यदि आप क्वार्टरली प्लान जो है उसमें अपन निफ्टी में भी काम कर पाएंगे, बैंक निफ्टी में ऑप्शन में निफ्टी में, तो कैश में भी काम होगा, दोनों में काम होगा, तो इसमें सिर्फ अपने को स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं कह सकती हूँ सर कि आपका जो भी रखते हैं आप 10,000 जो भी रखें 30,000 40,000 उसका हम कम से कम 40 से 30% आराम से रिटर्न देख सकते हैं, अपना चार्जेस हटाकर, ब्रोकरेज चार्ज और अपना ये चार्ज हटाकर। अच्छा तो ये जो तो वो आप बोलो तो वो आप पर डिपेंड करता है, आप जो भी प्लान एक्टिवेट करवाएंगे सर। बाकी आपने ट्रू टॉकिंग ये जो कहा है ट्रू कहा है कि भाई इसमें तो मैं मंथली में तो ज्यादा प्लान होते हैं मतलब हाँ हमारे पास भी सर प्लान होते हैं, सर्विस होते हैं। बाकी और दूसरी चीज सर जो आपने पूछी थी ना कि भाई मैनुअली भी कर रहे हैं, तो पहली चीज तो ये सर कि अपने इंडिया में बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता एल्गो के बारे में, ये 8 साल से है मार्केट में, और कुछ लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं सर कि उन्होंने करा है। बहुत सारी आपने सुना होगा भाई फ्रॉडिंग ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, तो क्या है कि सर इंडिया में सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं, मैं भी मानती हूँ, तो कई लोग यूज करके भी भाई, या फिर कोई लोग डरते हैं कि भाई इस चीज में जुड़े पता नहीं ऑनलाइन है काम, अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मेरा पैसा, क्योंकि भाई किसी का भी पैसा फालतू तो नहीं है, तो उस डर से भी कुछ लोग नहीं करते और कुछ लोगों के साथ वाकई में वो चीज हो जाती है सर, फ्रॉडिंग वगैरह चीजें ऐसी हो जाती है। तो मान लीजिए आप हैं, आपके मोहल्ले में किसी एक के साथ हुआ तो आप भी डर जाएंगे कहीं ना कहीं, भाई घबराहट है मन में उसके साथ हुआ, हो सकता है मेरे साथ हो जाए, तो मैं क्यों अननोन पर्सन को अपना पेमेंट करूं। तो वो चीजें भी हैं सर, इसीलिए काफी लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंडिया में अधिकतर यही हो रहा है। तो इसलिए एक ट्रस्टेबल कंपनी के साथ जुड़े और जहां आपको सारी चीजें मिले वहां जुड़े, गलत जगह पैसा देंगे तो फिर हम लॉस नहीं है, और हम तो 4 लोगों को अगर बताने खड़े हैं कि भाई हमने तो एल्गो लिया था, मुझे तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ, वो चीजें हैं सर, इस वजह से भी नहीं जुड़ पाते कई लोग। और कई लोग सही तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट यूज करना नहीं जानते। अब मान लीजिए जैसे आप हैं, आपके हाथ में ही रहेगा भाई आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि आप तो ले नहीं सकते वो अपने हैंड में, तो दूसरी चीज होती है जो मैंने बताया ना कि जो ट्रेडर होता है उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच होता है। अब मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के लिए कम इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं, 10,000 है अपना इन्वेस्टमेंट, अपन ने कमाया 2 दिन में 5,000 भाई सॉफ्टवेयर से, ठीक है, अब 15,000 ही मार्केट में उसने लगा दिए, उसने वहाँ से इनकम के जरिए विड्रॉ नहीं किया, उसने और लगा दिया कि भाई हो सकता है इससे तो मुझे और कमाऊंगा, जब मैंने 10 से इतना कमाया तो 15 से कितना कमाऊंगा, ये जो लालच है वो चीज भी कहीं ना कहीं लॉसेस में डालती है। सॉफ्टवेयर है इमोशन लेस है, ये तो अर्निंग करके दे रहा है, इसमें गलती सॉफ्टवेयर की नहीं होती। जो लोग बोलते हैं कि इससे कुछ अर्निंग नहीं होता, अर्निंग होता है, बट इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से यूज करना भी आना चाहिए आपको। तो ये सामने वाला है वो आपको गाइड भी करना चाहिए, कुछ उनके थ्रू भी चलना चाहिए काम, जो आपको बता रहे हैं वो, तो उस बेसिस पे भी चलो। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर हम है हमारे हाथ में तो हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आप करेंगे सबसे पहले तो लॉसेस ही है, क्योंकि मैनुअली भी हम फिर कर ही रहे थे लॉस, तो वो चीज है। तो इस तरीके से सही गाइडेंस होगा तब इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से मार्केट में यूज कर पाएंगे। वैसे स्पेशली एल्गो ट्रेडिंग किस चीज मेरा मतलब है, मतलब जैसे आपने कुछ प्लान भी बताए थे कि अलग अलग प्लान हैं, तो इसमें मैंने ये सुना है जो एल्गो ट्रेडिंग है वो डे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा सही है, तो इसमें तो हर टाइप की ट्रेडिंग हो सकती है ना। नहीं सॉफ्टवेयर है अपना, जो सॉफ्टवेयर है सर वो सिर्फ इंट्राडे में काम करेगा। अच्छा ये सिर्फ इंट्राडे में काम करेगा? हाँ सिर्फ ओनली इंट्राडे में काम करेगा सर, आज का आज, क्योंकि कल का तो कुछ पता नहीं होता सर। पहले होता था कमोडिटी मार्केट के लिए और फ्यूचर मार्केट के लिए, तो कई लोगों को लॉसेस भी हुए, तो वो चीज इसके लिए नहीं है। यदि आपके पास स्ट्रेटेजी है कि भाई इस स्ट्रेटेजी से तो मैं करता हूँ काम, मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मुझे ऑटो फॉर्म में कर दीजिए ये, तो कर सकते हैं। अदरवाइज सर अपना जो सॉफ्टवेयर वो इंट्राडे के लिए है, इसमें भी काम करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। यानी आपके कहने का मतलब है जो एल्गो ट्रेडिंग है वो सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए ही होती है, बाकी बाकी किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के लिए होती नहीं है, है ना, ये कह रहे हो ना। हाँ बाकी रहते हैं सर सॉफ्टवेयर बहुत सारे जो देते भी हैं सॉफ्टवेयर फ्यूचर के लिए, बट भाई फ्यूचर किसी को नहीं है पता, तो उस बेसिस पे तो कोई ना जाए,
इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो बेटर रिजल्ट देता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी एक रिस्क भी होता है और एक अच्छा रिवार्ड भी होता है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो कहीं से ज्यादातर रिस्क नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज भाई वो आगे फ्यूचर में बढ़ेगी, तो इसलिए ये सजेस्ट करते हैं। बाकी सर ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंट्राडे में काम करेगा, और कोई चीज का जो कंफ्यूजन है वो पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ आपको चीजें। हाँ सही बात है, जितना क्लियर आप बता पाएंगे और मुझे समझ में आएगा तभी मेरा इंटरेस्ट बनेगा ना परचेज करने में। इंटरेस्ट रहो, दूसरी चीज सर देखिए जो मैंने बताया ना कि भाई मैं क्लियर रहो बताती हूँ तो लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। तो कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपने 3,000 रुपए अर्निंग किया और 300 का अपने को लॉस हो गया, स्टॉप लॉस भी तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। तो आप ये ना कहें कि मैडम मुझे तो लॉस हो गया, आपने तो बोला था लॉस नहीं होगा, तो लॉस भी होगा बट अपने को कम होगा, ये है। तो देखो मेरे को समझ में तो काफी कुछ आ गया है, बट अभी भी ना मुझे बहुत सी चीजें समझनी जरूरी है। मैं वैसे वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ यूट्यूब पर एल्गो ट्रेडिंग को लेकर। आपने सब्सक्रिप्शन बताइए, ये 15,000 वाला, 12,500 वाला, ये कौन सा प्लान है? ये सबसे मतलब सबसे छोटा प्लान है, सबसे बड़ा प्लान है, मीडियम है, क्या है? सबसे छोटा प्लान अपना है मंथली प्लान सर, वो है 12,500 का। सबसे महंगा प्लान कितने का है? सबसे महंगा प्लान ईयरली वाइज प्लान है सर, वो अपने रहेगा 80,000 का, एक साल का, वन ईयर के लिए रहेगा। हाँ एक साल के लिए, और उसमें जितनी भी स्ट्रेटेजी अपने पास होती है यहाँ पर वो सभी का कॉम्बिनेशन। नहीं नहीं, जैसे ये 12,500 वाला प्लान आपने बताया, इसमें जो जो फीचर्स हैं, जो जो भी हम कर सकते हैं, तो इसी में ही और भी दूसरे प्लान्स हैं या फिर सीधा साल वाला प्लान ही शुरू होगा ईयरली वाला? नहीं ये प्लान है मंथली प्लान, फिर एक 3 महीने का प्लान रहेगा, फिर एक 6 महीने का, और फिर एक ईयरली का। अच्छा समझ गया, मतलब ये ही है, इसी को 3 महीने का कर दिया, इसी को 1 साल का कर दिया ना? नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है सर, जैसे अपना वो प्लान है 1 महीने का, तो उसमें सिर्फ 2 स्ट्रेटजी पे अपने को काम मिलता है, मतलब एक रिजल्ट टाइप का देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ ज्यादा नहीं बट अपन एक रिटर्न देख सकते हैं, ठीक है। आप जो क्वार्टरली प्लान है वो एक मार्केट को कैलकुलेट करके स्ट्रेटेजी बनी होती है कि ऑप्शन में भाई, ऑप्शन में कभी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो कैश में काम करे, तो रिजल्ट निकलता है भाई यहाँ से, ये चीज है। अब जो 6 मंथ का प्लान वो लॉन्ग टाइम प्लान भी होता है, और उसमें थोड़ी सी और स्ट्रेटेजी मिलेगी, जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी अपने पास होती है, फॉर एग्जाम्पल भाई जितना तेज चीजें अपने पास रहेंगी उतना ज्यादा कैलकुलेशन रहेगा मार्केट का, तो उस हिसाब से ट्रेड लगेगा। अब मान लीजिए जैसे 1 महीने का प्लान है तो उसमें सिर्फ 4 से 5 ट्रेड अपने लग रहे हैं, अब 3 महीने का है उसमें 7 से 8 ट्रेड भी लगेंगे, और जो 6 महीने का वॉल्यूम रहा मार्केट में जब तक ट्रेड करेगा वो लॉन्ग टाइम ट्रेड करेगा, 10 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है। अब अगली वाइज प्लान है उसमें स्ट्रेटजी होती है सर, मतलब उसमें एक रिटर्न के लिए, जो बड़े बड़े ट्रेडर का ही करना है हमें रिटर्न ही चाहिए भाई, एग्रेसिव होते हैं कुछ नहीं है तो रिटर्न, तो वो प्लान में जाए। अच्छा। और ये वैसे नहीं है कि आप वन टाइम पे करें, आपको लग रहा है तो आप 50% अमाउंट से कोई भी प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे अपना मंथली से लेकर ईयरली वाइज प्लान कोई भी, क्योंकि हमें पता है हमारे पास स्ट्रेटजी है, सर्विस है, सारी चीजें हैं, और अपनी जो कंपनी है ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है सर जो ISO सर्टिफाइड है, तो मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है क्लाइंट को, तो वो आराम से करेगा काम, गवर्नमेंट के द्वारा निरीक्षण है कंपनी अपनी, तो कभी कोई परेशानी नहीं आती, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोगों को भरोसा नहीं है, तो वो सारी चीज मिलेगी, और इसीलिए हमने ये प्लान जो रखा है 50% से ज्वाइन का इसीलिए रखा है ताकि पहले को काम देख ले, जैसे 12,500 का प्लान है तो 7,000 तो वो ज्वाइन कर सकता है, 7,000 में 5 दिन में सेटिस्फाइड हो रहा है, 6 दिन में हो रहा है, जब उसको लग रहा है भाई। हाँ क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर तो हमें पता है कि रिजल्ट देता है किस बेसिस पे क्या है, और क्लियर बताते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपको लग रहा है तो आप पूरा करवा दीजिए, आपका प्रोफाइल आपको लग रहा है कि ठीक है मैं मंथली कंटिन्यू कर सकता हूँ तो कंटिन्यू कर सकते हैं सर, आप प्रोफाइल कंप्लीट हुआ, 2 स्ट्रेटेजी मिल गई प्रॉपर, काम हो रहा है सर आपका। अदरवाइज आपको लग रहा है कि भाई मैंने 7,000 पे किए नहीं, मुझे तो 3 महीने वाला सर्विस चाहिए मैम, तो उसमें कंटिन्यू करवाइए एक अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि मैं मिट्टी में भी काम करना चाहता हूँ, तो आपका वो जो 7,000 आपने दिया है वो 3 महीने की सर्विस में अपना एडजस्ट हो जाता है, बाकी का बचा अमाउंट आप 30% 50% ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको लग रहा है उसका ज्वाइन करिए आप। चलो ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं समझ गया जो भी आपने बताए हैं। अभी मैं थोड़ा सा ना एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह देख लूँ, थोड़ा पढ़ लूँ, समझ लूँ, देन उसके बाद मैं डिसीजन ले पाऊंगा।